क्या इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल में सिक्स पॉइंट जीरो होंगे जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी एटम मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट का वन मोल इक्वल होता है एवगॉस नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेज सुपावर ट्वेंटी थ्री इक्वल होता है यही वजह है कि गैस का वन मोल जो

यानी गैस के टू मोल्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑप्शंस में से मौजूद होंगे जैसा कि हम जानते हैं कि वन मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल इक्वल होता है 6.022 10 रे टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स के तो फिर टू मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितने के इक्वल होगा सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 10 रे टू पावर 23 से और आंसर आ जाएगा हमारे पास 12.044 पॉइंट जीरो फोर फोर इंटू टेन करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर ना तो ऑप्शन ए है ना ही ऑप्शन बी और ना ही ऑप्शन सी है यही वजह है कि करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ देम क्वेश्चन है आर डैश नोन एलिमेंट्स ऑप्शन ए वन जीरो नाइन ऑप्शन सी वन एटीन एंड ऑप्शन डी 126. यानी पीरियडिक टेबल में टोटल क्या हमारे पास 101 109 118 या 126 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी 118 यानी देयर आर 118 नोन एलिमेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज डैश ऑप्शन ए कंपाउंड्स ऑप्शन बी मिक्सचर ऑप्शन सी मॉलिक्यूल्स एंड ऑप्शन डी फ्री रेडिकल्स जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि अनशेड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ये फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी फ्री रेडिकल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट्स यूज डैश गैस फॉर फ्यूल ऑप्शन ए क्लोरीन ऑप्शन बी हाइड्रोजन ऑप्शन सी हीलियम एंड ऑप्शन डी नियॉन यानी रॉकेट्स में हमारे पास कौन सी गैस एज फ्यूल यूज की जाती है क्या ये गैस हमारे पास क्लोरीन है हाइड्रोजन है हीलियम है या फिर नियॉन है सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी हाइड्रोजन यानी रॉकेट्स यूज हाइड्रोजन गैस फॉर फ्यूल नेक्स्ट द प्राइमरी इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट इज डैश ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी वाटर टूथपेस्ट में यूज होने वाला प्राइमरी इंग्रेडिएंट क्या हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर वाटर है सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन अ फॉर्मूला इज गिवन बाय डैश ऑप्शन ए इंपेरिकल फार्मूला ऑप्शन बी मोलिक्युलर फार्मूला ऑप्शन सी फार्मूला यूनिट एंड ऑप्शन डी एटॉमिक नंबर ये सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स किसी भी फार्मूला का रिप्रेजेंट किया जाता है क्या इम्पेरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला फार्मूला यूनिट या फिर एटॉमिक नंबर से जैसे कि हम ऑलरेडी अपनी वीडियो केमिकल फार्मूला में ये डिस्कस कर चुके हैं कि टू टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला जो कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और इम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो होता है एलिमेंट्स का किसी भी फार्मूला के सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए इम्पेरिकल फार्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज ऑप्शन ए 5 ऑप्शन बी 6 ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 10 यानी 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे क्या 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 5 6 7 या फिर 10 होंगे सो so चलिए यहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करते हैं जब हमें गिवन है 60 ग्रामस ऑफ कार्बन फॉर्मूला हम यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑलरेडी हमें मास ऑफ कार्बन गिवन है जो कि है 60 ग्राम्स मोलर मास को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा वो हम जानते हैं कि 12 है ठीक है जब इसके साथ हम ग्राम्स पर मोल लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मोलर मास सो इस फॉर्मूला में हमने मास डिवाइडेड बाय मोलर मास की वैल्यूज को पुट कर दिया अब यहाँ पर ग्राम्स ग्राम्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से 60 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल होता है हमारे पास 5 मोल के यानी 5 मोल्स हमारे पास मौजूद हैं 60 ग्राम्स ऑफ कार्बन में नेक्स्ट डेटोमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज ऑप्शन ए मोल ऑप्शन बी फॉर्मूला यूनिट ऑप्शन सी ग्राम्स पर मोल एंड ऑप्शन डी ए यानी एटॉमिक मास को जब एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में तो क्या ये हमारे पास मोल कहलाता है फॉर्मूला यूनिट कहलाता कहलाता है, है ग्राम्स पर मोल या AMU, तो ये इक्वल हो जाते हैं वन मोल के मोल एंड एवर नंबर पर डिटेल में ऑलरेडी मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बार में टाइप करें मोल एंड नंबर डिजिटल केमिस्ट्री तो आप ये वीडियो इजिली देख सकेंगे सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए मोल नेक्स्ट वन मोल ऑफ वाटर वेस्ट डैश ऑप्शन ए थर्टी सिक्स ग्राम्स ऑप्शन बी फोर्टी एट ग्राम्स ऑप्शन सी एटीन ग्राम्स एंड ऑप्शन एंड ऑप्शन डी एटी एट ग्राम्स यानी वन मोल ऑफ वाटर क्या इक्वल होता है हमारे पास थर्टी सिक्स ग्राम्स के फोर्टी एट ग्राम्स के एटीन ग्राम्स या एटी एट ग्राम्स का जैसा कि हम जानते हैं कि जब कभी एटॉमिक मास मोलिकुलर मास या फार्मूला मास को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में तो ये इक्वल हो जाता है वन मोल के क्योंकि वाटर एक मॉलिक्यूल है यही वजह है कि वन मोल ऑफ वाटर इक्वल होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर के सो so चलिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर को फाइंड आउट करते हैं वाटर जिसे एज टू ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है सो टू इंटू वन प्लस सिक्सटीन इक्वल होता है एटीन के यानी वाटर का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास एटीन है और जैसा कि हम जानते हैं कि जब मोलिकुलर मास को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में तो ये इक्वल हो जाता है मोल मोल की यानी ऑफ ऑफ वाटर वाटर ग्राम्स नेक्स्ट मिक्सचर साल्ट एंड इज ऑप्शन ए होमोजीनियस ऑप्शन बी हेट्रोजीनियस ऑप्शन सी कोलाइडल एंड ऑप्शन डी नील यानी साल्ट एंड वाटर का मिक्सचर क्या हमारे पास होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कोलाइडल या इनमें से कोई भी नहीं है जैसा कि हम ऑलरेडी अपनी वीडियो में टाइप्स ऑफ मिक्सर में डिस्कस कर चुके हैं कि टू टाइप्स ऑफ मिक्सर होते हैं होमोजीनियस मिक्सर एंड हाइट्रोजीनियस मिक्सर होमोजिनियस मिक्सर वो मिक्सर होता है जिसमें थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है जबकि हाइट्रोजीनियस मिक्सर में हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती क्योंकि साल्ट एंड वाटर के मिक्सर में हमारे पास थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है यही वजह है कि ये एग्जाम्पल है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सर की सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए होमोजीनियस चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे